नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। आखिर ऐसी कौन सी बड़ी वजह थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 18 साल जुड़े रहने के बाद कांग्रेस को छोड़ दिया? तो आइए बताते हैं उनके इस बड़े फैसले का कारण। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ने की वजह समय न देने की बताई है। तो वहीं राहुल गांधी ने कहा है कि मुलाकात की समय न देने की बात गलत है और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक लौते ऐसे हैं जो बेधड़क मेरे घर आ सकते हैं। 2001 में पिता की मौत के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस में पिता की जगह ली। 2002 में जब गुना सीट पर उपचुनाव हुए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद चुने गए। पहली जीत के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी हारे नहीं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उनके ही सहयोगी रहे कृष्णपाल सिंह यादव ने उन्हें हरा दिया। गौरतलब है कि गांधी और सिंधिया परिवार बेहद ही करीब रहा है, जिसके बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दादी चाहती थी कि उनका पूरा परिवार भाजपा में रहे, जिसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की दोनों बुआ वसुंधरा राजे सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया भी बीजेपी में शामिल हो गई। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार तो बना ली, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम नहीं बन सके। वहीं पार्टी ने कमलनाथ को प्रदेश की कमान सौंप दी। यहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच तकरार शुरू हो गई। विधानसभा के 6 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव में मिली हार सिंधिया के लिए दूसरा बड़ा झटका साबित हुई। वहीं कांग्रेस को छोड़ने का कारण ये भी बताया जा रहा है कि सिंधिया ने मांग की थी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद की। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अलाइव 24 न्यूज। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।